Hello everybody, welcome to another review of Coffee with Karan. Ye hai episode 6. In episode 6 mein aayi thi Rani Mukherjee and Kajol, you know, the actresses, the cousins. And yahan pe Karan Johar ki best friends. And Urvashi, mujhe bas ye kehna hai before we get started, like, share, comment, subscribe to kar hi lo. Lekin aap enjoy bhi karna kyunki ye episode bahut hi zyada mazedar tha. और मुझे ना काजोल को देख के ये लग रहा था कि काजोल में ना कोई भी ऐसे एजिंग के लाइक साइन ही नहीं है. वो बंदी का स्किन आज भी ऐसा ही लगता है. लाइक मुझे ऐसा लगता है और जो हीरोइंस है फिर भी जैसे इवन आई कैन से दिस अबाउट रानी, जब वो दीदी बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही हूँ वो कोई बुरी लग रही थी, रानी वाज आल्सो लुकिंग गुड, बट काजोल ना मतलब शी इज लुकिंग यंगर एंड यंगर. तो मेरा ऑपोजिट फीलिंग था. आई थॉट रानी वाज लुकिंग यंगर एंड यंगर. एंड रानी एंड काजोल को छोड़ो एक सेकंड के लिए, करण के ऊपर आए उर्वशी. सीजन में पहली बार मुझे उसका आउटफिट अच्छा लगा. मोनोक्रोमैटिक उसने डाला हुआ था, यू नो, ब्लैक एंड व्हाइट. आई लव दैट, आई लव द प्ले. एंड जो व्हाइट पाइपिंग थी, यू नो, ऑन द जैकेट, आई लव इट. एंड फिटिंग भी इतनी ओवरसाइज नहीं थी तो मुझे अच्छा लगा उसको देख के. ही ड्रेस्ड अप फॉर हिज गर्ल्स, यू नो. एंड जहां तक रानी की बात है उर्वशी, यहाँ पे अभी इतनी ठंड है, इतनी ठंड है ना, बिकॉज विंटर इज राइट अराउंड द कॉर्नर. एंड विंटर के मौसम में रानी आई वेयरिंग अ नियॉन येलो, आई लव्ड इट. तो देख के मुझे सनशाइन ही याद आ रही थी. यू नो, एक गाना था साथिया में, राइट, जहां वो पूरा येलो थी, सनशाइन ग्लो चल रहा था उसका. This was an updated version of that. Asymmetrical lines, you know, Tina as a in kuch kuch hota hai, Tina thi mini skirts dal ke aa rahi thi, yahan pe bhi ek mini dress thi. I loved her. And then uske contrast mein Kajol thi. It wasn't fun and flirty, lekin it was classic. You know, off the shoulder, thoda wine color gown tha, body hugging, curves dikha raha tha uski. I think she looked really good as well. Yeah, Rani gave me that Tina vibe, literally, that neon color. And you know, mujhe laga ki bilkul wahi wala dress up karke aayi, because it was, you know, kuch kuch hota hai ke 25th year anniversary. Yeah. I didn't remember, but Karan ne jab mention kiya to mujhe laga acha dono isliye yahan pe hain. Aur she was looking all beautiful aur wo color bahut acha lag raha tha kyunki Karan ne black pehna tha, usne और बार क्या होता है ना, सबने या तो ब्लैक पहने हुए होते हैं या थोड़ा बहुत कंट्रास्ट होता है. आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ, तीनों ने कुछ डिफरेंट कलर पहना था तो इट वाज लुकिंग गुड. काजोल का मुझे नॉर्मल लगा, लाइक जैसे मैं हमेशा इट वाजंट एनीथिंग फैशन नोटवर्दी. शी वाज लुकिंग नाइस. पिछले दो एपिसोड से, यू नो, ये सीजन पिकअप हुआ है. ये एपिसोड इतना मजेदार था. जैसे सिड एंड वरुण के साथ करण खुल गया था ना, यहाँ भी तीनों के तीनों लाइक खुल गए थे. दे वर सो एट ईज, दे वर हैविंग सो मच फन. दिख रहा था कि दोस्ती है रानी और करण के बीच में, एंड काजोल एंड करण के बीच में. यहाँ पे वो प्रमोशन कह लो या रेमिनिस कह लो, 25 years of कुछ कुछ होता है का celebration ही चल रहा था इन तीनों के बीच में. Guys, if you don't know, अब मैं self promotion करने वाली हूँ. उर्वशी और मैंने पिछले साल एक, you know, roast video की थी, roast review किया था हमने कुछ कुछ होता है का. एक lovable movie है, हमें पसंद है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को लेकर roast हुआ था. And उर्वशी, वो जो पूरा section आया था ना, जहाँ वो कह रहे थे two decades younger, you know, influencers, you know, talked about the movie, roasted the movie. मुझे हमारी याद आ रही थी, हमने भी ये की हुई है. So guys, check that out. And I love कि रानी वहाँ पे कहती, why are you saying two generations younger? That was 25 years. So we get it. Exactly. Classic movie है. अगर कोई कहेगा कि movie लगा के देखो, हम देख लेंगे. लेकिन थोड़ा बहुत aging नहीं हुई है इस movie की. And I like कि Karan and Rani and Kajol talked about that. एक तो उन्होंने ये भी कहा था रानी के डाइट कंट्रोल, रानी को खाने को नहीं मिल रहा था. दे वांटेड हर टू लुक अ सर्टेन वे एंड वेयर अ सर्टेन क्लोज. यू नो, रानी कहती कि आप तो, यू नो, छीन लेते थे प्लेट्स आउट ऑफ माय हैंड्स. यू नो, ब्रेकफास्ट तक नहीं मैं खा सकती. मुझे मारा भी गया है, पिंच भी करा गया है इस, यू नो, मूवी की शूटिंग के दौरान. काजोल गोज अब्यूज, इट वाज अब्यूज. तो मुझे बहुत फनी लगा. ये दोनों पहले भी आ चुकी हैं इकट्ठी विद शाहरुख. And उस, you know, episode का जो vibe था, you know, Karan talked about it and thank God, क्योंकि मुझे भी ना बहुत frosty vibes लगी थी between Kajol and Rani. Like Kajol is very
मुफट लाइक वेरी यू नो करती है यू नो कोई फिल्टर नहीं है एंड रानी मुझे थोड़ी poised and calm and thodi reserved type lagti hai you know and us episode mein you could see ki they just do not get along oil and water tha inka you know ki milna nahi hona inka lekin is episode mein I love ki kitni friendly thi dono yahan pe shuruaat mein hi kajol was talking so much ki karan ek sentence nahi bol pa raha tha and wahan bhi rani was like what the hell is going on right now you know lekin uske baad free flowing ho gaya tha inka so I really liked their vibe this episode yeah they shared so many things wo kuch hota hai na main itna mujhe funny lag raha tha bahut acha jab karan ne mention kiya ki tumhe pata hai tumhara wo red jumpsuit kahan se aaya tha gap ke kids store se she was like what london mein jab hum log shopping karne gaye the money and adi aur somehow kehte they used to go in meeting and we used to go for shopping and hum aate to aisa lagta tha ki jaise hota na ki wife shopping karne gayi hai husband aaya hai to phone और मैं किसको चूज करती हूँ डेफिनेटली बिल्कुल चूज करता है मतलब ये बहुत सारी फनी चीजें वी कैन सी क्लियरली कि लाफिंग वो दोनों सूट साथ डाल के यू नो यशराज स्टूडियोज का सेटअप करने जा रहे थे और मैं और मनीष हाथ में हाथ डाल के शॉपिंग के बैग लेके आते थे जो कंसीलर्स था उसने कहा कि वाओ व्हाट अ नाइस कपल यू बोथ आर नहीं वो लाइक और हम ना कुछ कुछ होता है कोई मिल गया डांस कर रहे हैं तो रानी एंड शाहरुख को लाइक व्हाट इज शी डूइंग व्हाट इज शी नॉट और यू नो फारा कोडी लाइक शी इज द ओनली वन हुज डूइंग इट राइट व्हाट आर यू गाइस डूइंग मतलब समझ आ रहा था कि 25 साल पहले की मूवी मतलब करण जौहर की क्योंकि पहली मूवी थी रानी मुखर्जी का आफ्टर टू फिल्म्स जो कि तब तक उतनी बड़ी स्टार नहीं थी उसके बाद उसने ये किया था और डेफिनेटली दे डिस्कस्ड अबाउट द बॉन्ड आल्सो करण वाज लाइक मैंने सोचा ये कौन सी फैमिली ऐसी होती है कि ये जो बात नहीं करते आपस में और सच में ये रूमर्स भी होते थे तब की दे डोंट गेट अलोंग तो जो भी या तो ठीक नहीं पता है क्या हमने ये बात की हमारे रोस्ट वाला जो हमने किया तो जब वो सब पार्ट आ रहा था यू नो वो दिखा रहे थे उनके वीडियो मतलब मुझे पता है बहुत बड़ा सपना है ये बट आई वॉज लाइक होपिंग कहीं से That would be so funny. But Karan, मुझे contact करते तो मैं आपको rights दे देती अपनी video की. लेकिन उर्वशी, I'm very glad कि उन्होंने करण ने ना वो topic उठाया था इनके frosty, you know, जो relationship थी इनकी. क्योंकि उन्होंने कहा over the course of the especially last few years you guys have gotten close अब you know दिखता है आप दोनों का interaction पहले नहीं था कुछ कुछ होता है कि sets में तो बिल्कुल ही नहीं था and you know मेरे like as a child I also heard that and मैंने ना हमेशा काजोल पे pinpoint किया था क्योंकि for some reason उसकी personality मुझे हमेशा वो लगती थी ना and I also like कि रानी कहती Like, तब हम लाइक 18-20 साल की लड़कियां थी अब हम लाइक वर इन आवर 40s तो वो जो विजडम आया है वी लर्नड यू नो हाउ टू गेट अलोंग विद ईच अदर उसने कहा कि यू नो मुझे याद है वी ग्रो अप विद वन अनदर हम एक दूसरे के घर पे होते थे लेकिन रानी ने कहा कि मैं तनीशा के साथ क्लोजर थी हमेशा यू नो एंड काजोल काजोल दीदी थी एंड वो हमारे जो मेल कजन्स थे उनके साथ वो क्लोज थी यू नो तो दैट वाज टू हियर हर से काजोल दीदी I never thought in a million years I would ever hear that you know so that was really cool to see and I like you usne kaha ki when they both lost their fathers wo kehte hain ki jab family mein loss hota hai jab aapko ek sath aana padta hai then it shows you you know and ye baatein bahut you know real hai because Urvashi you just never know kabhi aap never nahi keh sakte kyunki aapko nahi pata ki life mein kya hona hai aur kaise aapke equations change hone hain मुझे लगता है काजोल स्टार्टेड हर करियर वे अर्लियर तो एट द टाइम वो कुछ कुछ होता है शी वाज ऑन पीक लाइक पीक उसके बाद मुझे आई रिमेम्बर उसने शादी करी थी तो मुझे लगता है रानी का तो सेकंड थर्ड मूवी था तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे र्यूमर्स चलते थे आई डोंट नो बट समहाउ मुझे भी यही वाइब आती थी कि मे बी बिकॉज ऑफ काजोल लाइक आई नेवर ब्लेम्ड रानी फॉर दैट वेल काजोल ने कहा था कि उस वक्त मैं किसी की हेल्प ना करती क्योंकि जब ये बुलिंग की बातें हो रही थी ना कि रानी के साथ क्या क्या हो रहा था रानी और काजोल कहती girl you should have told me babe I would have been on your side and then Karan was like you would have never been on Rani's side I couldn't have helped anybody she goes wo tab ki baat hai you know jab Karan phir se shuru ho gaya tha na ek waqt aisa aaya tha jab maine baat nahi ki thi you know Kajol se to kya aap log aapko lagta hai ki kuch log aise hote hain ki aapki differences mein aa jate hain you know like Rani camp and Kajol camp you know aisi tarah se aisi baatein ho rahi thi Kajol kehti
I am not in the mood to talk about this. You have already talked about it on national television. I will not talk about this. But to be honest, Karan ye karta hai. With Kareena also, with Kajol also. Ye topic wo bahut baar discuss kar chuka hai. About the chalo legacy friendship to samajh aati hai, but ye jo jhagde hue hai Kareena ka bhi mujhe pata hai every time jab bhi Kareena aati hai aur Kajol ka bhi hai to Kajol jaise as you said mufat hai to use to bol diya. I don't want to discuss and Karan was like, "Okay." Karan ne wahan pe apna बोलने से ज्यादा मुझे लगता है जो स्टार्टिंग भी उन्होंने किया था कॉन्वर्सेशन का वो वहां पे उसको बोलने ही जब नहीं दे रही थी तो मुझे लगता है शायद उनको कट करके उसको बोलना पड़ा होगा ना यू बी कीप क्वाइट और मुझे बोलने दो मुझे सोच रहा ना ही वाज लाइक घर भी जाना है हमें मुझे बोलने दो उन्होंने ये भी डिस्कस किया था लाइक यू नो करियर जहाँ पे वो अब काम कर रहे हैं एंड यू नो काजल ने साफ कह दिया कि लुक माय वन चाइल्ड इज नॉट अ चाइल्ड शी इज एन अडल्ट एंड द अदर इज अ टीनेजर अभी मेरे पास टाइम है और मैं काम कर रही हूँ एंड दैट्स ग्रेट टू सी क्योंकि वी ऑलवेज टॉक कि व्हाई आर वुमेन ऑलवेज बर्डन विद द बैलेंस लेकिन ज्यादातर यही होता है द वुमेन आर यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द किड्स मैं ये नहीं कह रही कि अजय अपने बच्चों का कुछ नहीं करता होगा लेकिन ज्यादातर वो हमेशा लड़कियों के ऊपर ही आ जाता है माओं के ऊपर आता है जैसे कि रानी ने जो कहा अपनी बेबी को लेके मतलब बेबी नहीं है लेकिन बच्ची को लेके दैट वाज रियली कूल टू कि आदित्य जो आदि चोपड़ा है ही इज सो प्राइवेट तो अगर वो प्राइवेट है तो मैं अपनी बेटी को तो थोड़ी ना शेयर करूंगी विद द वर्ल्ड एंड शी गोज दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करनी पड़ेगी एंड अगर मैं नहीं करती आई शुडंट बी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हो देन यू आर ऑब्लिगेटेड एंड यू शुड शेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड आई कैन डू दैट आई डिडंट रियलाइज कि रानी इतनी प्राइवेट है लेकिन वो है एंड यहाँ बन गई है बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड एंड हर यू नो डॉटर करण कहता From which exit does Aditya leave the airport? वो कभी नजर नहीं आता वो क्या करता है तो she goes, मैं एक हनी भी हूँ मैं अट्रैक्ट करती हूँ सारा अटेंशन ताकि my husband and baby leave. Yeah, नहीं, even when she said ना कि social media पे हम लोग हर aspect नहीं दिखाते अपनी life का like ये सबके बारे में not only about the celebrities लोग अपना अच्छा part अपना जो एक अच्छा aspect है life का वो show करते हैं social media पे और definitely कहीं ना कहीं अगर दूसरे लोग उसे देख के ये समझते कि नहीं life सिर्फ तरीके से चलती है विच इज नॉट राइट और खासकर सेलिब्रिटी को हमें अपना वो वाला दिखाते हैं एस्पेक्ट की यार यू नो हम लोग ऑल टाइम यू नो अपना मेकअप अपना ड्रेस अप होके एकदम से कैमरा के सामने यू नो अप टू डेट तो इट्स नॉट लाइक दैट मतलब जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद कैमरा के सामने नहीं दिखा रहे तो मुझे लगता है कि उसने ये बात बहुत अच्छी करी है वहाँ पे लाइक हमारा एक चैनल है हम इस पे वीडियोस डालते हैं हम लाइव्स करते हैं लोगों को हमारा पता है जितना थोड़ा बहुत पता है बट इट्स वे मोर देन बिफोर पहले तो सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता था ना एंड इफ यू लुक एट माई सोशल मीडिया तब मैं अपनी भी फैमिली की ज्यादा डालती थी फोटोएं कि ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने बच्चों की मैं डालती थी कि ये हम कर रहे हैं वहां गए हैं ये ऐसा है वैसा है जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है मैंने बहुत कम कर दिया है लाइक आई हार्डली एवर पोस्ट ऑन देम बिकॉज वो होता है कि आप खुद पे जो आती है वो ठीक है आप डील कर लोगे लेकिन अपने बच्चों के ऊपर यू डोंट वांट टू डील विद एनीथिंग तो ये जो इतने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर रहते हैं ये सेलिब्रिटीज यू नो आई कैन ओनली इमेजिन हाउ प्रोटेक्टिव दे हैव टू बी बिकॉज उर्वशी इट इज अ स्केरी वर्ल्ड आपको नहीं पता कि कौन कहां से कब कुछ कर सकता है यू नो तो आई डू अप्रिशिएट ऑल ऑफ दैट या इवन दैट इज स्ट्रेसफुल ऑल्सो जैसे उसने मेंशन किया कि आजकल के जो एक्ट्रेस है इसलिए तो लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है क्योंकि पहले केवल न्यूज़पेपर्स होते थे मैगजीन्स होते थे लाइक कितना है कोई तुम्हें कैप्चर कर लेगा नाउ अब सोशल मीडिया है पेपरासी आप हर टाइम एक रडार में हो लाइक कोई भी आपको जज कर रहा है और 24 आवर्स जब तक आप उस कैमरा के सामने हो ऑफ स्क्रीन ये ऑन स्क्रीन हो चाहे सोशल मीडिया पे हो आपको ऑफ स्क्रीन सब जगह जज किया जा रहा है सबके द्वारा तो मतलब कहीं ना कहीं फायदा है लेकिन एट द सेम टाइम एंड जहाँ पर जजिंग की बात आती है रिलेशनशिप्स भी जज होते ही हैं एंड यहाँ पे यू नो करण ने ऐसी बात की थी कि यू गाइज आर बोथ मैरिड टू वेरी प्राइवेट रिजर्व्ड इंडिविजुअल्स हू आर लो की एंड रानी को देख के कहता तेरा तो की ही नहीं है वो तो कुछ नहीं है वो तो एनिग्मा है यू नो करण ने कहा था कि काजोल तूने जिम्मा उठाया हुआ है यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली योर हस्बैंड डजंट गो एनीवेयर यू आर द वन हु सोशलाइजेस सो व्हाट डू यू थिंक काजोल कहती दैट द बेटर हाफ हैज अराइव्ड But then she also says ki why have a farce
जिस बंदे को पसंद नहीं है वो नहीं करना चाहता, वो बंदा क्यों फोर्सफुली आए उस जगह? ऐसी को जो चीजें मैं करती हूँ अच्छा वो मैं करती हूँ, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ही इज रियली गुड एट एंड ही डज दैट. एंड उर्वशी ऐसा ही है, जस्ट बिकॉज आप एक सेलिब्रिटी हो, लोगों को लगता है कि आपको लाइमलाइट अच्छी लगती होगी, दैट्स नॉट द केस. बहुत से लोग प्राइवेट हैं, शाय हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, या अपनी सर्कल में रहना चाहते हैं, तो दिस इज रिफ्रेशिंग. एंड देख के भी लगता है, लाइक रानी और आदि को नहीं देख के मुझे लगता कि इतने डिफरेंट है. लाइक आई सेड, मुझे रानी भी शाय, क्वाइट, यू नो, थोड़ी रिजर्व लगती है, राइट? पर काजोल एंड अजय आर पोल्स अपार्ट. मुझे वो बहुत अलग लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज बहुत अलग लगती हैं. तो जब काजोल कहती है ना, some is my domain, some is his domain, and we know what we're good at, I believe her. Yeah, absolutely. क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो पहले भी आए थे Coffee with Karan पे, we can really see कितना कितना ज़्यादा. Even I feel this about Akshay Kumar and Twinkle and yeah, Kajol and Ajay Devgan. जब वो छोटी उम्र की लड़कियों के साथ काम करते हैं तो दैट इज ऑल ओके. और जब हमारी एक्ट्रेस हैं और अगर दे आर इन 40s, अगर उनको कोई इस तरीके का रोल करना हो और कोई यंगर यू नो उनसे छोटा कोई हीरो है या नॉट, तो ये सारी बहुत बड़ी बातें बन जाती है. रानी का कहीं ना कहीं मुझे हर एक टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसका जो भी टेक था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. काजोल थोड़ा फनी, थोड़ा मजाकिया, लाइट वाली, लाइट हार्टेड उस मूड में रहती है. बट रानी का जो भी आस्पेक्ट, क्योंकि एक तो ना रानी ज्यादा सोशलाइज ऐसे वहां पार्टीज वार्टीज को नहीं, ऐसे एम सोशल मीडिया भी, इंटरव्यूज वगैरह भी, जब उसकी कोई मूवी आती है एट द टाइम ऑफ प्रमोशन भी हमें नजर आती है सोशल मीडिया पे, नहीं तो हम जानते ही नहीं है कि एक्चुअली कि बिहाइंड द कैमरा या मूवी के बाहर वो क्या है, क्या बोलती है, क्या. तो जब भी ऐसा टाइम आता है तो आई लिसन टू हर, तो मैं आई रियली लव हर कि जब भी वो अपनी बातें शेयर करती थी. Yeah, and basically ये तब निकला था ना टॉपिक, बिकॉज एक इंटरव्यू में रानी ने कहा था कि the women तो मैच्योर हो जाती हैं, but their male counterparts, they want younger and younger, you know, क्या कहते हैं, actresses to act with. And then Karan कहता, no, I think, you know, a lot of people would love to see, you know, a mature love story, Shah Rukh and Kajol together. So why isn't that happening or whatever? And then Rani कहती, because filmmakers like you aren't making the movie. Pin drop silence, that was so good. उसकी timing इतनी अच्छी थी. ये जो producers हैं, जो movies बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? At the end of the day, yes, उन्होंने अपना expression तो करना है, but it's a business, पैसा बनाना है इन्होंने. And अगर उनको लगेगा कि इस वक्त पे काजोल एंड रानी एंड शाहरुख की कोई मूवी सेल हो सकती है तो वो करेंगे. अगर उनको लगता है कि इसकी एपेटाइट नहीं है तो नहीं होगी. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो काजोल ने कहा था सही था. She goes, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है कि people want to see men with younger women. When older women are with younger men, तो फिर, you know, it's like a big gossip session, but no one cares. She goes, even in society, कब से हम देख रहे हैं कि older men get married to child brides and, you know, all of that happens. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, because ये है. क्योंकि यहाँ पे शाहरुख, सलमान, अक्षय can romance मानुषी चिल्लर और can marry, and you know, ये सब even to talk about दीपिका, अनुष्का, दीपिका exactly, exactly. they are really younger. Yeah, even जब उनके साथ, और अब तो और भी लो हो गया ना उर्वशी, अब तो दीपिका, अनुष्का, कैटरीना, आलिया, even आलिया पार्टनी आ गई है, ये तारा सुतारिया आ गई है, you know, these are आलिया आलिया exactly. The women are doing that. When was the last time ये रानी और काजोल और रोमांसिंग वरुण धवन सिद्ध, ये तो हुआ ही नहीं है. एंड उसके उनसे छोटे जो आए हैं लाइक टाइगर श्रॉफ या यू नो कार्तिक आर्यन या जो भी उनसे छोटे हैं, उनसे तो कभी नहीं हुआ है. सिद्धांत चतुर्वेदी को देख लो, जब यू नो वो आया भी था ना ट्रैक ये जवानी है दीवानी में, जब माधुरी डांस कर रही थी रणबीर कपूर के साथ, चर्चा हुआ था शी इज सो मच ओल्डर, व्हाई इज शी डांसिंग विद दिस यंगर मैन, ये भी हुआ था. आई जस्ट थिंक कि ये सोसाइटी जब चेंज होगी तब होगा. जो मूवीज बनती है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. और कीर्ति मैं वही बोल रही हूँ ना कि ये ऐसा नहीं कि उन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है, पर ये सोसाइटी में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये बिजनेस है, प्रोड्यूसर करेंगे नहीं. इट्स इन माइंड एक्चुअली, प्रॉब्लम वहां दिखने में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में है. वो चाहते हैं कि यार ये कैसे हो गया. या
एक द मोस्ट हिलेरियस पार्ट ऑफ दिस एपिसोड वाज द क्विज जो ये गेम इन्होंने खेली थी फिल्म और फिल्मोग्राफी की. उर्वशी में इतनी हंस रही थी, माय स्टमक वाज हर्टिंग, लाइक आई वाज लाफिंग सो मच. एंड वो सेगमेंट शुरू होने से पहले रानी कहती आई लव योर काउच, एंड करण कहता अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव हैपेंड ऑन इट. दोनों का जो है रानी लाइक come again yeah. what you know and Karan is like conversation like get you know get your dirty mind out of the gutter or whatever. That was fun. But ye jo questions hue the na ki what was a guest appearance Kajol made in Rani's film and what was a guest appearance Rani made in Kajol's film, unko kuch samajh nahi aa raha tha, kuch unko pata lag raha tha. And Karan goes, duffer ho kya, idiots ho kya, kya dekh rahe ho muh utha ke. They were like, what about kabhi khushi kabhi gham? And ye Kajol kehti Rani was in there. And jab Kajol ki bari aayi ki Kajol ne jab you know ye kiya tha special appearance, wo kehti kal ho na ho. I was like, oh my god. करण जोहर को सदमे लग रहे थे वहां पे, ये दोनों कर क्या रही है, मेरी पिक्चरों का तो इन्होंने नाच माना यहाँ पे 25th यू नो ये उसका मनाने आई है एनिवर्सरी और ये कर क्या रही है, इनको कुछ याद ही नहीं है, तो कुछ नहीं पता था. एंड एक उसने सवाल किया, a film that Rani did was what that was named after a poisonous eight-legged creature है ना, तो काजल कहती bichu bichu है ना, है ना. They were like, अच्छा हाँ bichu. And then she goes, what? But a scorpion doesn't have eight legs, it has four. I thought spider. The Rani huske kehti makdi, you thought it was makdi. Wo makdi bichu ke piche pade rehte. I happen to really love ki bichu ka yahan zikr hua tha kyunki main ek Bobby Deol ki bahut badi fan hu aur mujhe wo gana bhi acha laga tha. कौन सा गाना था उसमें, यार मेरे यारम तूने दिल चुराया मेरे यार. हाँ, नहीं वो रीडी था, साडे उत्ते भी हक रख ले, वो ही था ना. गाने इसके गाने पॉपुलर थे. I hope this is the right movie. ये बादल भी हो सकती है जिसमें बॉबी एंड रानी उससे भी तैयार करते हैं. पहले की जब उन दोनों को यार नहीं, उन दोनों को नहीं पता, वो दोनों याद नहीं रखते, तो हमारा क्या है. Oh God! But it was so funny. यहाँ पे Rani wins the game because उन्होंने पूछा था एक tie breaker और उन्होंने कहा था कि what was a dog named in क्या कहते हैं हम आपके हेड को. Rani कहती Fluffy. वो कहती Bunty. Fluffy छोड़ो, मेरे को लगता है Duffy Fluffy हो सकते हैं, बंदा थोड़ा rhyme होता है तो वो कर रही. वो कहती Bunty. Bunty कहाँ से आया? Rani कहते टफी. I was like, उर्वशी मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों को नहीं पता, इतनी iconic film में iconic होता था and किसी को टफी नहीं पता. Like I just find that so hard to believe. मैं यहाँ पे बैठ के चिल्ला रही हूँ टफी टफी टफी. शाहरुख के भी क्वेश्चंस आ रहे थे, जूही का भी एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन दोनों क्लूलेस थी, दोनों लॉस्ट थी, दोनों को अपनी मूवीज के बारे में कुछ नहीं पता. ओके उर्वशी, उसके बाद ऑब्वियसली रैपिड फायर आता है. मुझे रैपिड फायर में कुछ इतना फायरी नहीं लगा था. एंड यहाँ पे जो जितना बड़ा मार्जिन था जिससे रानी जीती है काजल से, आई डिडंट नो कि इतना बड़ा होगा, लेकिन आई लाइक कि हीरो ये जीती है रानी, मुझे उसके आंसर्स अच्छे लगे थे. एंड आई रियली लाइक कि करण कहता क्योंकि हम यश राज स्टूडियोज में बैठे हैं ना. ये तो मालकिन बैठी है, ये तो कभी भी हमें लात मार सकती है. एंड काजल इन्होंने एसी नहीं बंद की, एसी नहीं बंद, वो एसी के पीछे पड़ी हुई थी काजल द होल टाइम. इट वाज रियली फन. एक यू पॉइंट आया था रानी के क्वेश्चंस में जहां पे लिखा था हु डिड यू हैव मोर ऑफ अ कोल्ड वॉर विद, काजल और ऐश्वर्या, तो वो कहती काजल. यू नो यहाँ पे आई वॉज सो सरप्राइज, आई डोंट नो कि कब हुआ था ये कोल्ड वॉर, ये क्या था, वाज इट द होल विवेक ओब्रॉय एंड ऐश्वर्या इंसिडेंट ये जो हुआ था, बिकॉज तब ये गॉसिप भी चल रहा था ना, क्योंकि रानी वाज अ लिटिल बिट फॉन्ड ऑफ विवेक एंड देन ऐश्वर्या आ गई थी. यू नो आई डोंट नो. उसने ये भी बताया
कि अ मूवी शी पास्ड अप ऑन वाज लगान. आई हैड नो आइडिया रानी लगान का हिस्सा यू नो बन सकती थी, क्यों नहीं बनी, आई हैव नो आइडिया. लेकिन लगान मुझे इतनी अच्छी लगी, इट वुड हैव बीन अमेजिंग इफ रानी वाज अ पार्ट ऑफ इट. More than that, Kajol mentioned one movie. I Dil thought to Pagal hai. She mentioned Dil to Pagal hai. I had Dil to Pagal hai. Two more movies. उसमें से एक तो थी वो recent की थी. मुझे लगा Kajol इसमें कैसे उस. I don't know. Rani was bang on. मुझे उसके answers बहुत अच्छे लगे. और ये जो उसने बोला मैं Cold War इसके साथ रानी के साथ सॉरी काजोल के साथ मुझे तो लगता है ऐश्वर्या के साथ डेफिनेटली होना चाहिए था क्योंकि जहां तक मुझे याद है अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी का नाम तो या वहां भी था और वहां पे ये भी बात हो सकती है मैं को रोए पे चलेगी अभिषेक बच्चन की था उसमें एंड दैट वाज क्लोज वन लाइक दे वर लिटरली अबाउट टू गेट मैरिड एंड उसके बाद के साथ हो गया था उसके बाद उसका फिर आदित्य चोपड़ा के साथ मतलब मुझे ये लगा बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा शी बोर्ड ऐश्वर्या का नाम क्योंकि जिस तरीके से उन दोनों ने भी हैंडशेक किया है शी वाज लाइक तो क्योंकि उसका नाम लेना नहीं चाहती लेगी रानी इज नॉट समवन हु स्ट्राइक्स मी एज समवन हु वांट्स ड्रामा तो आई थिंक आई आल्सो लाइक कि जब करण ने पूछा था ना यश राज इज मेकिंग अ स्पाई वर्स हु वुड यू जॉइन पठान टाइगर या ये जो कबीर है more है ना तो वो कहती है I would tell them to join Mardani क्योंकि I already have a franchise that was a really good answer है ना हाँ तो जब रानी ये mention करती है ना कि जब करण उसे पूछता शायद I don't know where you show your fire or competition something like that I don't remember वो बोलती है कि I show that in my movie तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा रानी का ऐसा नहीं एक टाइम पे बहुत बार उसने ऐसे आंसर दिए हैं लाइक या फटाफट ऑन द स्पॉट शी वाज लाइक फायर तो मुझे लगा कि और रैपिड फायर भी रानी का ही मुझे अच्छा लगा ये रैपिड फायर ऐसा था जिसमें जैसे लास्ट वाले में मुझे लगा था वरुण को जीतना चाहिए था सिद्धार्थ के उतने अच्छे आंसर नहीं थे इसमें लेकिन मुझे लगा था कि रानी को ही जीतना चाहिए था लेकिन जिस तरीके से काजोल अपनी अपील कर रही थी वहां पे लाइक मुझे तो मुझे लगा था कि कहीं ऑडियंस वाकई में फिसल ना जाए बट हुआ नहीं तो नहीं पर यहाँ पे काजल के भी कुछ आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे एक था आर यू द बेस्ट रोमांटिक हीरोइन तो वो कहती हाँ जब पूछा कि हु इज द करंट लॉर्ड कैन मैच यू नो शाहरुख एंड योर लाइक केमिस्ट्री तो शी लिटरली वाज लाइक कोई नहीं है आई रियली आल्सो लाइक कि वो कहती रानी लाइक रानी का एक डिस्क्लेमर बिलीव मी इवन व्हेन आई एम जोकिंग बिकॉज आई एम टेलिंग द ट्रूथ यही तो कह रहे थे ना काजोल का परसेप्शन यही है कि वो कैटी है वो बोल लेती है रानी का ये परसेप्शन नहीं है एंड देन काजोल गोस नो 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 यू नीड टू रियलाइज कि ये जो भी बोलती है सही ही बोल रही होती है बस आपको पता नहीं लगता यू नो सो दैट वाज रियली फन आई लाइक दैट आई रियली लाइक कि जब हीरो नंबर वन की बात आई उसने गोविंदा का यहाँ नाम लिया बिकॉज गोविंदा के अलावा कौन यू नो तो दैट वाज रियली गुड आई लाइक कि जब क्वीन का नाम लिया शी सेड रेखा लाइक रेखा मेरे लिए ओरिजिनल डीवा है ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री Like Rekha was insane. तो यहाँ पे रेखा का नाम अच्छा लगा आई लाइक उसने जीनत अमान का भी नाम लिया Yeah. Zeenat Aman. Like guys, if you haven't seen Zeenat Aman's Instagram post, देखो. मुझे ना मैंने तो recommendation में ऐसे ही देखा था एक बार Zeenat Aman का post और मैं उसके बाद ऐसा hooked हो गई उसके profile पे और जब उसने mention किया ये मुझे लगा wow मतलब अच्छा लगता है जब कोई अच्छी चीज हो रही होती है people notice करते हैं और Zeenat Aman like her Insta profile is really good. Kajol का भी अच्छा था रानी का मुझे बहुत अच्छा लगा तो मार्जिन बहुत ज्यादा था आई डोंट नो और लास्ट में तो चुगलिया ही करने लग गए और काजल का है ये वो चुप ही नहीं होती है चुप होती लाइक काजल शी इज अ चैटरबॉक्स वो नहीं चुप होती बहुत साल पहले एक पेयरिंग आई थी कॉफी विद करण पे वो थे सुष्मिता एंड संजय दत्त की एंड उस एपिसोड में लाइक लिटरली सुष्मिता टॉक्ड 90% ऑफ द टाइम लाइक संजय दत्त कुडंट टॉक एट ऑल तो यहाँ पे आई एम ग्लैड कि रानी वाज टॉकिंग शी यू नो शी वाज इन्वॉल्व्ड तो वो मुझे अच्छा लगा उर्वशी जब करीना एंड आलिया आए थे मैंने पूछा था हु डू यू प्रेफर तो यहाँ पे भी मैं पूछूंगी काजोल और रानी मैं आई प्रेफर रानी और डिड यू नोटिस जब रानी का रैपिड फायर चल रहा था काजोल कीप ऑन पोकिंग कीप ऑन इंटरफेयरिंग करण वाज लाइक लेट हर टॉक यू प्रेफर एक्टिंग और पर्सनालिटी ऑफ रानी
वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम बट अगर रॉन्ग आंसर मुझे कोई पूछेगा कि हु डू यू प्रेफर रानी और काजल पर्सनालिटी वाइज एंड एक्टिंग वाइज आई लव रानी आई लव मी सम रानी ओह याद आया मुझे जब ये शुरू हुआ था एपिसोड एंड कॉफी आई मीन एंड कुछ कुछ होता है कि यू नो बातें चल रही थी आई लव कि करण कहता एंड यू नो दिस वन यूज योर नेचुरल वॉइस तो ये भी है क्योंकि रानी की जो पहले दो मूवीज आई थी वहां पे इतनी पतली आवाज थी उसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं थी रानी का यूएसपी अलोंग विद हर आईज दैट आर ब्यूटीफुल इज हर रास्पी वॉइस लाइक रानी से वो रास्पी वॉइस हटा लो एंड इट्स लाइक व्हाट इज लेफ्ट उस वॉइस में इतना पर्सनैलिटी है ओके गाइज तो आज के लिए इतना ही आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना एक तो ये एपिसोड कैसा लगा एंड दूसरा हु डू यू प्रेफर काजल और रानी एंड हु डू यू थिंक वन दैट्स रैपिड फायर और हमारा रोस्ट भी देखना चाहती हमारा रोस्ट हाँ एग्जैक्टली उर्वशी की बात मानो ओके जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था उर्वशी एंड आई डिड अ रोस्ट और कुछ कुछ होता है तो वो जरूर जाके देखना हमारे चैनल पे यू नो प्ले लिस्ट में है वो तब तक के लिए लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब भी करना एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर रिव्यू ऑफ कॉफी विद करण बाय बाय